अगला टॉपिक है दोस्तों पुलिस रिफॉर्म। क्या है? पुलिस रिफॉर्म। पुलिस रिफॉर्म की हम बात करते हैं, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द पुलिस रिफॉर्म। हम बहुत सारे लोग हैं यार, आम टाइम मतलब ऐसे आम भाषा में हम बहुत बात करते रहते हैं कि भाई पुलिस में रिफॉर्म की ज़रूरत है, या पुलिस होता है ना कि पुलिस में ये कमी है, पुलिस में ये कमी है, पुलिस में फलानी कमी है, पुलिस में डिकड़ी कमी है। हम बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं, उसमें एक सबसे बड़ी जो चीज़ है जो डिस्कशन की है, दैट इज़ करप्शन, कि करप्शन बहुत है। दूसरा जो हमने पिक्चरों से देख के सीखा है कि इंडिया की पुलिस ढीली बहुत है, ढीली मतलब क्राइम पे हम बाद में पहुंचते हैं, बहुत लेट पहुंचते हैं। तीसरा हमने क्या देखा है कि जब हम टीवी सीरियल देखते हैं तो हम देखते हैं अमेरिका और ये जो बाहर के देश है ना, इनकी पुलिस ना बहुत तगड़ी इंटेलिजेंस गैदर करती है, बहुत समझदार सी लगती है। भारत में ऑन द अदर हैंड बहुत मतलब एक ग्रीम पिक्चर दिखाई गई है पुलिस वालों की, ठीक है, इंडिया में उतना नहीं दिखाया गया। तो हम मानते हैं कि इंडिया वाले उतने टेक्नोलॉजिकल एडवांस नहीं है, ठीक है। फिर बाहर के पुलिस वाले देखो मतलब तगड़े एकदम फिटनेस वाले दिखते हैं, इंडिया के आप देखोगे कई कई जगह पिक्चरों में दिखाया कि ठीक है पेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, समझ में आ रही बात। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। भारत के अंदर में अगर आप देखोगे तो मेंटल इश्यूज भी बहुत है पुलिस को लेके, दबाव बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, जनसंख्या इतनी ज़्यादा, जितने पुलिस वाले होने चाहिए उतने हैं नहीं भाई, महिलाओं की संख्या बहुत कम है पुलिस के अंदर में, तो जो वेमेन का संबंधी केस आता है तो वहाँ पर बहुत सेंसिटिविटी होती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो पुलिस के पास जितने मॉडर्न इक्विपमेंट होने चाहिए उतने नहीं है। और ये चीज़ कब निकल के आई थी? जब 2008 के अंदर में भारत के ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ था मुंबई के अंदर में, तब देखने को पता चला कि इंडिया वालों के पास भी वो पिस्टल है अभी भी जिसमें एक बार में एक ही गोली लोड हो रही है, ठीक है। तो दुनिया की बहुत आगे जा रखी है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, ठीक है, पुलिस के में जो कमियां हैं। अभी हुआ क्या, एक पार्लियामेंट के अंदर में एक बेसिकली एक रिपोर्ट आई है, एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिपोर्ट रखी है जिसमें उसने बताया है कि भारत का जो पुलिस सिस्टम है उसमें किस किस चीज़ की रिफॉर्म की आवश्यकता है, क्या क्या सुधार होने चाहिए, व्हाट आर द रिफॉर्म्स दैट इज रिक्वायर्ड इन इंडियन पुलिस, भारत में कौन से पुलिस रिफॉर्म की ज़रूरत है। पहली बात उसने कमियां बताई, फिर उसने बताया कि क्या क्या करें तो मज़ा आ सकता है इंडियन पुलिस के अंदर में, ठीक है। और ये पुलिस रिफॉर्म का जो टॉपिक है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत आपका जो पबैड होता है उसके अंदर में भी ये आता है, पबैड ऑप्शनल के अंदर में भी आ सकता है, या हम जीएस पेपर 2 के अंदर में भी इसको डिस्कस कर सकते हैं, जीएस पेपर 3 जहां पर बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनके बारे में भी डिस्कस हम कर सकते हैं। बात करते हैं पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटी के हिसाब से अगर हम बात करें, देखो पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है, नॉट पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर इज द स्टेट सब्जेक्ट। इसीलिए पुलिस किसके अंदर आती है दोस्तों, आपका जनरली हर राज्य की पुलिस पे आप देखोगे तो लिखा होता है महाराष्ट्र पुलिस, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, है ना, हरियाणा पुलिस, है ना, क्यों? क्योंकि वो स्टेट का कंट्रोल होता है उसके ऊपर, ठीक है। किसका कंट्रोल होता है दोस्तों? स्टेट का, राज्यों में स्टेट का कंट्रोल होता है पुलिस के ऊपर। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे भी पुलिस फोर्स हैं जो हम सेंट्रल पुलिस फोर्स कहते हैं, जिसको जैसे CRPF, CISF, है ना। तो ये समझिएगा आप दोस्तों, पुलिस जो है ना, पुलिस अगर हम देखें, लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, बट पुलिस जो है दैट इज इन द कंकरेंट लिस्ट, वो समवर्ती सूची में लिखा हुआ है उसको। दैट मीन्स सेंटर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ कैन फॉर्मुलेट द लॉ, ठीक है, ऑन अ सेम टाइम, है ना। तो ये बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है, और इससे संबंधित मुद्दे कि पुलिस रिफॉर्म की जरूरत क्या है दोस्तों। आज से पहले भी ना बहुत सारी कमेटी, बहुत सारे कमीशन बने हुए हैं। इवन आई थिंक 2016 की बात है, 2016 में भी सुप्रीम कोर्ट की बहुत डिटेल्ड जजमेंट आई थी, किसके बारे में? पुलिस रिफॉर्म के बारे में। तो वो अपने को देखना और समझना और जानना ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसको देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, और कोशिश करेंगे इससे सारी चीज़ों को जान पाए हम, ठीक है, सारी चीज़ों को समझ पाएँ इससे। तो वो हम यहाँ से फटाफट से एक बार देखते हैं। तो एक बार सभी बच्चों से पुनः आग्रह करूँगा, पुनः रिक्वेस्ट करूँगा कि गाइज प्लीज़ वीडियो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सो दैट सारे आपके सहपाठी जो है हमारे साथ जुड़ सके। पुलिस रिफॉर्म की जब भी बात होती है दोस्तों, तो जीएस पेपर 2 और 3 का जिक्र मैंने किया, मैंने बताया था कि पुलिस जो है, वैसे इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की बात भी करेंगे साथ में, जीएस पेपर 3 के अंदर हमारी जो बहुत सारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी बात की गई है, सो दैट्स व्हाई इट्स कम्स अंडर द 2 और 3 पेपर 2 और 3। भारत के अंदर में 648 पुलिस स्टेशन है, अभी इसकी रिपोर्ट आई है ना, पार्लियामेंट के अंदर बेसिकली राज्यसभा में एक रिपोर्ट रखी गई है। तो इस पार्लियामेंट के अंदर में जो रिपोर्ट राज्यसभा में रखी गई, एक स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, तो इसने बताया कि किस प्रकार से भारत की पुलिस की कितनी हालत खराब है। तो किसने क्या बोला है? बताया कि एज मैनी एज 648 पुलिस स्टेशन इन द कंट्री डू नॉट हैव टेलीफोन। आप सोचो बड़ी बुरी बात है यार, ये टेलीफोन का कनेक्शन नहीं है, वो लैंडलाइन वाला, ठीक है। भारत के अंदर 648 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जिसके अंदर में टेलीफोन का कनेक्शन ही नहीं है।
रिपोर्ट बाय पार्लियामेंट्री पैनल स्टेबल्ड इन द राज्यसभा सेड, राज्यसभा के अंदर में अभी एक पार्लियामेंट का पैनल है, उसने इस बात को यहाँ पे बोला है। द रिपोर्ट हाईलाइट्स द नंबर ऑफ रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड एंड चैलेंज फेस्ड बाय द पुलिस रिफॉर्म। अच्छा, अगर इसके अंदर देखोगे, इस पूरी रिपोर्ट को अगर आप डिटेल में पढ़ो ना, तो इस पूरी रिपोर्ट के अंदर में भारत की पुलिस के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, साथ साथ में उनका चैलेंजेस का समाधान क्या है, दोनों बारे में यहाँ पर बहुत अच्छे से डिटेल के अंदर डिस्कस किया गया है। ये जो रिपोर्ट है दोस्तों, ये मिनिस्ट्री, जो आपका पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर, गृह मंत्रालय के ऊपर एक पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी, कमेटी दो होती है दोस्तों, एक तो होती है स्टैंडिंग कमेटी, एक और होती है, बताओ क्या होता है, एडॉक कमेटी, है ना, पता है आपको। कमेटी कितने प्रकार की होती है दोस्तों, वन इज स्टैंडिंग कमेटी एंड सेकेंड इज द एडॉक कमेटी, ठीक है, सेकेंड इज द एडॉक कमेटी। अब स्टैंडिंग कमेटी का मतलब पता है आपको क्या, दीज आर परमानेंट कमेटी, परमानेंट है, और एडॉक कमेटी जो होती है दोस्तों, दे आर टेम्पररी इन नेचर। अब कमेटी हम बनाते क्यों है सर पार्लियामेंट में, देखो पार्लियामेंट एज सच 800 आदमियों का एक ग्रुप हो गया, 800 850 लोग पार्लियामेंट में है, ठीक है, 800 लोग पार्लियामेंट में है। अब हर आदमी एक्सपर्ट नहीं है वहां पे, कोई मेरा जैसा अनपढ़ भी चला गया वहां पे पार्लियामेंट के अंदर, अब उसको कानून बनाने का इन सब का इतना नॉलेज थोड़ी ना है, ठीक है, लोगों ने चुन के उसको भेज दिया, पता नहीं क्यों भेज दिया, बट फिर भी उसको कानून बनाने की इन सब चीजों की मुद्दों की समझ तो नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं ना, पार्लियामेंट में से हम कमेटी बनाते हैं जिसमें हम एक्सपर्ट लोगों को एक कमेटी में डाल देते हैं, जो एक पर्टिकुलर मुद्दे के एक्सपर्ट हैं, उनको हमने कमेटी में डाल दिया और फिर हम उनको कहते हैं कि चलो भाई करो तुम, ठीक है। तो ऐसे ही पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी जो होती है वो परमानेंट होती है, हमने बहुत सारे मुद्दों पे ऐसी स्टैंडिंग कमेटी बना रखी है। एडॉक कमेटी का मतलब होता है ये ऐसी कमेटी है जो टेम्पररी, टाइम ऑन टाइम हम बनाते हैं, काम खत्म हो गया तब तक ठीक है, उसके बाद इनको रद्द कर दिया जाता है। तो ये जो रिपोर्ट आई है, ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ होम अफेयर की जो है रिपोर्ट आई है, इसने क्या बताया दोस्तों, इसने बहुत सारी बातों को बताया। पहला इसने कहा कि उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट स्टेट है भाई, जिसके पास में फोन कनेक्शन की सबसे कमी है। उत्तर प्रदेश में 600-650 के आसपास भारत के पुलिस स्टेशन में टेलीफोन नहीं है, उसमें सबसे ज्यादा नंबर पे आता है आपका जम्मू कश्मीर, जिसमें 75 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जिनके अंदर में फोन का कनेक्शन नहीं है। तो बताओ पुलिस को बताओगे तो कैसे बताओ, क्राइम होने के बाद 6 दिन के बाद पुलिस को पता चलेगा कि अच्छा क्राइम हो गया, ओहो, तब दरोगा जी जाएंगे वहां पे, है ना, यूपी में दरोगा कहते हैं, यूपी और बिहार में दरोगा कहते हैं, तब दरोगा जी वहां जाएंगे। इसके बाद जम्मू कश्मीर भी इसी का भाई है, ठीक है, पर जम्मू कश्मीर आप कहोगे सर वो यूनियन टेरिटरी है ना, इसीलिए हम नहीं उसको, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 79 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहां पर टेलीफोन नहीं है। अच्छा, पंजाब भी कुछ कम नहीं है, ठीक है, पंजाब भी अपना कुछ नहीं है, कम नहीं है, 69 जो है यहां पर भी पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहां भाई फोन के कनेक्शन जो है वो नहीं है। अब फोन का कनेक्शन सर, आजकल आधुनिक टाइम में मोबाइल फोन होंगे, लेकिन लैंडलाइन की अपनी एक अलग बात होती है, नेटवर्क ना आए तो क्या करे आदमी, और फोन नंबर ठीक है, लेकिन फोन नंबर हर व्यक्ति के अलग अलग है ना, थाने का एक क्या होना चाहिए, एक सेंट्रल फोन होना चाहिए, तो वो नहीं है भाई। उत्तर प्रदेश वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट, ये दोबारा लिख दिया हमारे टाइपिस्ट ने, कोई बात नहीं भाई। द रिपोर्ट सेड 257 पुलिस स्टेशन डिड नॉट हैव व्हीकल एंड 143 डिड नॉट हैव वायरलेस सेट, अल्फा 1 अल्फा 2 ऐसे करते रहते हैं ना वो, कमिंग ऐसे, तो वो चूं करता रहता है वो, तो कईयों के पास वो ही नहीं है, कईयों के पास गाड़ी नहीं है बताओ, तो पुलिस ने क्राइम हो गया मान लो तो लिफ्ट लेके जाएगी क्या, है भाई, पुलिस कुछ हो गया तो लिफ्ट लेके जाएगी। मुझे आज भी याद है ना कि मतलब एक बार पता नहीं 9वीं क्लास की बात है शायद या 10वीं की बात, 10th या 9th की बात है, तो हम गांव के स्कूल में पढ़ते, तो 10th और 9th में यार, हालांकि 10th में गाड़ी थी हमारे, 10th में थी, 9th की बात कर रहा हूँ मैं शायद, हाँ 9वीं क्लास की बात है, तो 9वीं क्लास में हमारे साथ के की शादी हो गई थी, देख लो 9वीं क्लास में शादी हो गई थी, ठीक है, 9वीं क्लास में शादी हो गई थी उसकी, है ना, और शादी मिली थी उसको डिस्कवर बाइक बजाज की, फिर भाई वो चलाया करता, बहुत बहुत दिल दुखिया करता, मतलब बहुत बुरा लगता था इसके ना ही शादी होगी उसकी, इसका कि बाइक आ गई उसको मिल गई, फिर उसका अलग ही हवा हो गया था वहाँ पे, ठीक है, अलग ही मतलब एक रुतबा सा हो गया था कि भाई शादी हो रखी मतलब इसकी ने तो तब मैं हम ना उसकी बारात में जाना था, ठीक है, तो हम क्या करते थे भाई, कौन कौन चलेगा ग्रुप बनता था, कौन कौन चलेगा भाई, तो बताते थे हम चलेंगे सारे, ऐसे 6-7 लोग हो जाते, फिर एक आदमी हेड बनता था, सबसे पैसे इकट्ठे करता था कि भाई ठीक है तुम चलोगे, तो एक काम करते हैं कि भाई पैसे इकट्ठे कर लेते हैं तो वहाँ बारात में जाएंगे, तो उसके लिए फिर एक गाड़ी बुक करते थे किराए पे, एक गाड़ी लेते थे, फिर गाड़ी के अंदर में भाई उसका भी खर्चा देना पड़ता था, फिर उसके बाद
भोजन वोजन का कि गाड़ी में स्नैक्स क्या चलेंगे, कुछ लोग मदिरा पान भी करते तो उनका प्रबंध करना पड़ता था। तो मेरे को याद है कि मैं उस समय का हेड मैं बना था, मगर भाई मैं इकट्ठा करूँगा और मैं गाड़ी भी मैं करके आऊँगा सारी चीज़। तो मैं चला गया गाड़ी करने, तो हमारे गाँव से थोड़ी दूरी हाईवे, तो उस टाइम पर ना वो जो महिंद्रा की मैक्स थी ना वो चलती थी, तो मैं उससे बात की, ठीक है। तो एक आदमी बोला यार कल तो मैं नहीं जा सकता। वहाँ क्यों, कह रहे कल तो फटीक है। मैं कहा फटीक क्या होती है भाई? फटीक का मतलब होता है कि पुलिस ना उनको एक दिन के लिए बुलाती थी कि हाँ भाई तू आज पूरे दिन तेरी गाड़ी हमारे थाने में रहेगी। तो सोच के देखो, किसी थाने के अंदर आसपास में ना मान के चलो इस प्रकार के 30 वैन है, अगर 30 गाड़ियां हैं या 50, 30 तो आराम से मिल जाएगी, 10-20 गाड़ी आराम से मिलती है। तो हर गाड़ी को बोल दिया कि आज तेरा नंबर है थाने में फटीक में रहना। फटीक का मतलब कि पुलिस वाले आज पूरे दिन उसकी गाड़ी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तेल वेल खुद वो डलवाएगा, है ना। तो ये सिस्टम था उस समय, पहले हमारी पुलिस भी बड़ी एडवांस थी ना, दिमाग चलाया करती। तो ऐसे समझिए वो सिस्टम था, एक फटीक का सिस्टम जिसको बोलते थे, आज भी वही है, ठीक है। भारत के अंदर में बहुत 257 पुलिस स्टेशन है जिनके पास क्या नहीं है, गाड़ियां नहीं है। मुझे लग रहा आज यहां भी आजकल फटीक का सिस्टम चल रहा होगा। द कमेटी एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर द 15 ईयर एंड ओनली 17 स्टेट्स। देखो कमेटी ने कहा भी है कि 15 साल हो गए हैं, हमने 2006 के अंदर में मॉडल पुलिस एक्ट लेके आए थे 2006 के अंदर में ना। अब जो बच्चे पबैड पढ़ते हैं उनको पता है 2006 में आया था ये मॉडल पुलिस एक्ट, कि हम अपनी पुलिस को आधुनिक बनाना चाहते थे मॉडल, क्योंकि पुलिस सिस्टम भारत में कॉलोनियल है, कॉलोनियल माइंडसेट था, ठीक है। तो हमें जरूरत थी भारत की पुलिस सिस्टम को क्या करने की, आधुनिक करने की। उसी के लिए दोस्तों 2006 में हमारे रिफॉर्म आए थे। आज की बात करें तो 17 राज्यों में से दोस्तों बड़े शर्म की बात, सॉरी इतने सारे देश के अंदर में बड़ी शर्म की बात है कि इन पिछले 15 सालों के अंदर में केवल 17 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने उन के तहत में जो है सुधार किए हों। बहुत बुरी बात, बहुत बुरी हालत है। अच्छा, फिर मॉडर्नाइज करने के लिए, जैसे राज्य की पुलिस को मॉडर्नाइज करना है तो उसके लिए फंड दिए जाते हैं। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने फंड का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल ही नहीं किया, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ठीक है, पैसे का इस्तेमाल ही नहीं करते वो लोग। द हाईलाइटेड पुअर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द पुलिस। रिपोर्ट ने ये भी कहा कि भैया सुनो, महिलाओं की संख्या बहुत कम है पुलिस थानों में, है ना, महिलाओं की संख्या क्या है, बहुत कम है। और ये बात है भी, और किसी थाने में चलो ठीक है महिला है भी ना, तो उसको यार अच्छे काम नहीं, इन्फीरियर जॉब दे देते हैं, ठीक है, जो काम में मजा ही नहीं है, डेस्क का काम दे दिया। तो इस कमेटी ने साफ बोला कि कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस ऐसा थाना होना चाहिए जिसमें सिर्फ पुलिस हो, ठीक है। साथ ही साथ में ना महिलाओं को तगड़े काम दो भाई, जिसमें उनको दिमाग लगाना पड़े, बहुत पेचीदा टाइप के केस हो ना वो दो उनको, ठीक है, ताकि वो भी अपना जो है विकास कर सके, उनकी भी एक्यूमेंट बढ़ सके। ये सब चीज़ें उन्होंने यहाँ पर बोली है, और भविष्य में अगर ऐसी प्रॉब्लम आए तो उनको डील कर सकें। अब सर इसने प्रॉब्लम तो बता दी। देखो हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी यूपीएससी के अंदर या कभी भी यार जब आप प्रॉब्लम बताओ ना तो आपके दिमाग में सॉल्यूशन भी होना चाहिए। ऐसा मत बनना कि प्रॉब्लम बताए जा रहे हो, सॉल्यूशन है आपके पास तो ही बोलना। समझदार आदमी और एक बेवकूफ आदमी में यही फर्क होता है। समझदार आदमी क्या करता है दोस्तों, समझदार आदमी जो होता है वो कम बोलता है, और बोलता तब है जब उसको सब पता होता है। तो बेवकूफ आदमी क्या होता है, ज्यादा बोलेगा और उसको कुछ पता नहीं होगा। तो अगर समझदार आदमी हो तो क्या करना है, यूपीएससी के लिए तो समझदार ही बनना पड़ेगा। तो जब भी आप यूपीएससी की बात हम करें, जब यूपीएससी एस्पिरेंट्स की बात करें, जब भी आप प्रॉब्लम की बात करें तो सॉल्यूशन उसमें पीछे रखना, और नहीं पता तो फिर चुप रहना, फिर मतलब बैठना मत, बिना मतलब में कभी कुछ कुछ बोल रहे हो, बिना हाथ पैर की बात नहीं करनी है आपको, ठीक है। नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारी जो आईएएस की तैयारी चल रही है वो सिर्फ तुमने रोड़ा काटने के लिए कर रही हुई है, कि तुम्हारी भौकाल बना रहे, तुम्हारी हवाबाजी रहे, ठीक है। घरवाले भी चाहते हैं आईएएस के चक्कर में ब्याह हो जाए इसका। हरियाणा में बहुत दिक्कत होती है ना, हरियाणा में शादी का मतलब है सरकारी नौकरी चाहिए पहले, नहीं तो नहीं करते शादी। बहुत हुआ अब अपमान, अब चाहिए हमें पद और मान, ठीक है। तो इसीलिए तभी शादी होती है, नहीं तो होती नहीं है वो, ठीक है। रिकमेंडेशन क्या है दोस्तों, सिफारिश की है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को कहा है कि सुनो एक बात करो, एक कमेटी बनाओ, एक क्या बनाओ, एक कंस्टिट्यूट करो कमेटी, और उस कमेटी को कहो कि जो अंडर परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने पैसे का ढंग से इस्तेमाल नहीं किया या पैसे का कम इस्तेमाल किया है, एक समिति गठित कर दो, और खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों का इसको कहो कि दौरा करे, और उनको बताओ कि कैसे आप योजनाबद्ध तरीके से जो आपको फंड दिया गया है, जो पैसा दिया गया है, उसका आप इस्तेमाल करें, ठीक है। ये यहाँ पर बात की गई है, ये यहाँ पे कहा गया है कि योजनाबद्ध तरीके से उस चीज़ को क्या करो, आप काम करो, ठीक है, योजनाबद्ध तरीके से उस चीज़ों को देखो, संभालो, करो बढ़िया से, चलाओ बढ़िया से, ये बात यहाँ पे की गई है।
द रिपोर्ट आस्क द सेंटर टू एडवाइज स्टेट एंड यूटी टू क्रिएट अ रोड मैप फॉर एंश्योरिंग 33% महिलाएं होनी चाहिए। ये हो गया तो बढ़िया बात है ना, महिलाओं के लिए अगर ये हो जाता है तो अच्छी बात है। एक बात और कही है, कई लोग क्या करते हैं पता है, कई राज्यों में जो वैकेंट पोस्ट है ना, मान लो खाली पड़ी है, मेल के लिए थी खाली पड़ी है, उसको कन्वर्ट कर देंगे फीमेल के लिए, वो गलत चीज़ हो जाता है। लेकिन 33% महिलाओं का यहाँ पर होना चाहिए रिजर्वेशन, 33% किसमें, पुलिस में, ये भी रिकमेंडेशन है। बोला गया कि हर एटलीस्ट ना एक वमेन होनी चाहिए, एक वमेन सेल होनी चाहिए एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। साथ ही साथ महिलाओं को ऐसा टेम्परेरी जुगाड़ू काम मत दो, उनको भी ऐसा काम दो कि वो जो चैलेंजिंग हो, ठीक है, ये भी हो। सर आप इतनी बढ़िया बातें करते हो, इतने अच्छे बनाते हो, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, बस एक एडवाइस दे दीजिए, यूपीएससी आंसर राइटिंग कैसे इम्प्रूव की जा सकती है, डर लगता है मेंस आंसर राइटिंग से। बस ये डर को ही हटाना है अनुप्रिया, ठीक है, ये डर को ही हटाना है अनुप्रिया चौधरी, सिर्फ लिखो यार। डर, देखो मेरी बात सुनो, डर कब लगता है, डर तब लगता है कि जब हमें पता हो कि काम हम नहीं कर सकते, ठीक है। फियर कब लगता है, यही तभी तो डर लगता है ना भाई। डर दो आदमियों को लगता है, एक तो मतलब उनको डर लगता है दोस्तों जो थोड़ा बहुत जानते हैं, कम जानते हैं, डर उनको भी लगता है जो बहुत जानते हैं, क्योंकि उनको भी डर रहता है कि यार कब मैं फेल ना हो जाऊं, है ना। तो फेलियर अलग, डर अलग अलग प्रकार के होते हैं। आपका डर जो है ना वो इस प्रकार का है कि आपको, आप चाहते हैं यूपीएससी क्रैक करना, बट आप लिखने बैठते हैं तो दिक्कत हो जाती है। इसीलिए मैंने यहाँ पर डेली एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम मैंने चलाया हुआ है, जिसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसी टॉपिक पे लिखना है। अब इसमें कुछ करना नहीं है, जो आज मैंने पढ़ाया ना उसी में से देख के लिख लो। लिख के देखने के लिख देख के लिखने से क्या होगा, धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। और फिर आप देखो, बच्चा होता है ना, बच्चों को पहले उंगली पकड़ के चलाया जाता है, ठीक है, है ना, उंगली पकड़ के, फिर लेकिन वो धीरे धीरे सीख जाता है, तो एक दिन वो उंगली छोड़ भी देगा ना। तो अभी क्या करो ना, आप सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ो लिखो, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ उसे लिखो, कोशिश करो, एक दिन ऐसा होगा आप समर्थ होंगे लिखने में, और आप फिर वो उंगली पकड़ के, यानी कि देख के लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी चीज़ है। कह रहा कि इट रिकमेंड दैट लीस्ट वन सेल, मैंने बता दिया, इट रिकमेंड ऑफलाइन ऑनलाइन, कह रहा कि पुलिस वालों से लगातार बात करते रहो, मीटिंग करते रहो, ठीक है, उनके ऑफलाइन मॉड्यूल चलाओ, ऑनलाइन मॉड्यूल चलाओ, डिस्ट्रेस करो, उनका तनाव में बहुत है पुलिस, इंडियन पुलिस। देखो पुलिस एक ऐसा सिस्टम है इंडिया में जिसकी कभी कोई छुट्टी नहीं होती, होली हो, दिवाली हो, ठीक है, छठ हो, कोई भी हो, ईद हो, ठीक है, कुछ उसकी कभी छुट्टी नहीं होती इसकी, ठीक है। वो 24/7 ड्यूटी पे होता है पुलिस, जो एक पुलिसकर्मी होता है, तो उसको स्ट्रेस बहुत होता है, तो उसका योगा वोगा करवाओ, उसका कसरत करवाओ, उसकी काउंसलिंग करते रहो समय समय पर, कोई बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट कराओ। इट कॉल्ड फॉर सेपरेशन ऑफ, एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे बोली गई है कि हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें यार इन्वेस्टिगेशन को और लॉ एंड ऑर्डर को अलग अलग करना पड़ेगा। एक पुलिस की वो भाग होता है जो इन्वेस्टिगेट करती है, छानबीन करती है, और दूसरा जो कानून व्यवस्था मेंटेन करती है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमें बहुत मतलब बढ़िया टैलेंट चाहिए जो चीज़ों में छानबीन करते हैं। तो कह रहा है कि दोनों चीज़ों को अलग अलग करो, दोनों विंग को अलग अलग करो, इससे एफिशिएंसी आएगी और पुलिस के अंदर में एक अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा अच्छे से क्या होगी दोस्तों, क्रिएट होगी, ठीक है। इसके अलावा बोला है पॉलिसिंग शुड बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो करप्शन वाली बात कह रहे हैं कि वो थोड़ा ख़त्म करो, इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, ठीक है। नेता का बेटा है, उसका चलान भी नहीं कटता बेचारा, वैसे गरीब आदमी, उसके पास व्हीकल नहीं है, वो एक पे तीन बैठ के चले जाए मोटरसाइकिल पे तो चलान कट जाता है। सबके लिए समान होना चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, किसी का दबाव नेता मंत्री का नहीं होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए दोस्तों, और लोगों के प्रति संवेदनशील पुलिस होनी चाहिए, ठीक है। पीपल फ्रेंडली होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई पुलिस है ठीक है भाई। आजकल क्या होता है, पुलिस को या तो गाली देते हैं या डरते हैं, ठीक है, पुलिस को दोस्त समझना पड़ेगा। तो पीपल फ्रेंडली पुलिस हमें बनानी है, हमें कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देना है। कम्युनिटी पुलिसिंग क्या है, इसके अंदर में ना पुलिस होती है लेकिन वो कम्युनिटी के साथ मिल के काम करती है, लोगों के साथ मिल के काम करती है। इसके अंदर हम जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो नॉन पुलिसकर्मी है, भारत इतना बड़ा देश है यार, ठीक है, उसके हिसाब की पुलिस नहीं है इंडिया में। तो इसको कैसे आप टैकल कर सकते हो, कम्युनिटी पुलिसिंग से, कि कम्युनिटी के कुछ लोगों को उठाओ, कुछ सोसाइटी के लोगों को उठाओ, समाज के लोगों को उठाओ, और उनको आप पर्टिकुलर टास्क असाइन कर दो कि भाई तेरे को ये काम करना है, तेरे को ये, नॉन पॉलिसिंग के ही बता दो, मतलब जहाँ पर ज़्यादा दिक्कत ना हो, उससे पुलिस जो अपनी स्ट्रेंथ को बहुत बढ़ा सकती है। तो हम कम्युनिटी पुलिसिंग कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेट पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स टू ट्रेन इन द लाइसेंस विद द बॉर्डर पीपल। अब देखो यार एक बात बताऊँ मैं, BSF हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज है, हमारी असम राइफल है, अब ये बॉर्डर पे जाके काम करती है, ठीक है, ये बॉर्डर पे जाकर देश की क्या करती है, रक्षा करती है। तो कोशिश क्या होनी चाहिए,
कि ये जो सेना है हमारी, इनकी ट्रेनिंग ना आप जो वहां लोग रहते हैं ना उनके साथ करवाओ, ठीक है, उनसे भी कुछ सीखने को मिलेगा इनको, क्योंकि तो बॉर्डर पे रह रहे हैं, उनको तो हालात सबसे ज्यादा अच्छे से पता है, तो उनके साथ मिल के ट्रेनिंग कराओ ताकि किसी भी प्रकार की कंडीशन से लड़ने के लिए वो ज्यादा सक्षम हो। ये सब हमने बताए हैं। अब सर पुलिस रिफॉर्म है क्या? बार बार आप पुलिस रिफॉर्म कर रहे हो, व्हाट इज पुलिस रिफॉर्म? तो पुलिस रिफॉर्म का मतलब है कि जो एक पुलिस है, हम चाहते हैं उनकी वैल्यू को हम बदलें, ठीक है, उनके मूल्यों को बदलें। अभी पुलिस जो है, कईयों को ऐसा लगता है कि पुलिस सिर्फ जेब भरती है अपनी, है ना, पुलिस क्या करती है, जेब भरती है। तो एटीट्यूड हमें चेंज करना पड़ेगा, गलती दोनों तरफ से है, लोगों को भी जागरूक करना पड़ेगा। और कुछ पुलिसकर्मी हो, सारे नहीं, मैं तो कहता हूँ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गड़बड़ करते हैं लेकिन पूरी पुलिस कम्युनिटी से बदनाम हो जाती है। ये वो लोग हैं जो फर्स्ट प्लेस पे बहादुरी से हमारी रक्षा कर रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों हमें एक अच्छा कल्चर डेवलप करना पड़ेगा, पॉलिसीज हमें अच्छी अच्छी बनानी चाहिए, ठीक है, हमें पुलिस को एक अच्छे तरीके से संगठित करना चाहिए। तो कह रहा है कि पुलिस सुरक्षा सुधारों का उद्देश्य पुलिस संगठनों के मूल्यों, संस्कृति और नीतियों और प्रथाओं को बदलना है। इट एनविसेज पुलिस टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज विद रेस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेटिक वैल्यू, ह्यूमन राइट एंड रूल ऑफ लॉ। जरूरी है यार ये चीज, ठीक है, कह रहा कि जरूरी है कि जो पुलिस है ना, ठीक है, उसके लिए जरूरी क्या है दोस्तों, कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करें, पुलिस की जो ड्यूटी है उसको निभाए लेकिन कानून के दायरे में, भारत के संवैधानिक प्रिंसिपल, संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रखें, भारत जो ह्यूमन राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनको क्या रखें, ध्यान में रखें, और उनको ध्यान में रखते हुए ये काम करना है। इट ऑल्सो एम टू इम्प्रूव हाउ पुलिस इंटरैक्ट्स विद दी अदर पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी सेक्टर्स, ठीक है, ये भी बात की गई है कि भाई पुलिस है तो बाकी क्षेत्र जो सिक्योरिटी, ऐसा नहीं तो अकेली पुलिस है, और भी बहुत सारे सिक्योरिटी सेक्टर्स हैं हमारे, उनसे हम कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इसकी भी बात यहाँ पर आती है पुलिस रिफॉर्म में। अभी तक अगर मैं पुलिस रिफॉर्म की बात करूँ तो बहुत सारी कमेटी और कमीशन हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, मैंने बताया था बहुत सारे कमीशन और कमेटी बन चुकी हैं। जैसे सबसे पहले बना था नेशनल पुलिस कमीशन 2000। प्यारे बच्चों आपको पता है ना पुलिस सिस्टम भारत में किसकी देन थी, अंग्रेजों की देन थी, वो लेके आए थे। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि भारत के अंदर में जो पुलिस सिस्टम आया था उस पर तब से वो कॉलोनियल माइंडसेट को चेंज करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। पहला प्रयास हमारा सन 2000 में था नेशनल पुलिस कमीशन के रूप में, उसके बाद में था आपका रिबेरियो कमेटी जो 1998 से 1999 तक काम किया, उसके बाद था हमारा दोस्तों पद्मनम भाइया कमेटी, ठीक है, पदाना भैया कमेटी 2000 में आई थी, ये भी 2000 में बनाई थी। उसके अलावा मलिमट कमेटी, ठीक है, मलिमट कमेटी जो है ये भी है। और ये सारी चीज़ें ना आप कहाँ पढ़ते हो दोस्तों, जब पबैड करते हो ना, पबैड के अंदर में दिया हुआ या जीएस पेपर 3 और 2, ठीक है, तो यहाँ ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है और वैसे भी जनरली भी हमें पता होना चाहिए। तो अब आते हैं दोस्तों रिलेटेड सर्च। देखो यार मैंने सिर्फ आपको कमेटी और कमीशन के नाम बताए हैं, ठीक है, ये जो टॉपिक है जैसे मेजर रिकमेंडेशन, मैं चाहूंगा ये वही लोग देखें जिनका यार ऑप्शनल पबैड है, ठीक है, जो पबैड ले रहे हैं वो देख ले। हाँ प्रॉब्लम क्या है यार पुलिस सिस्टम के साथ में, ये आप सब बच्चों को नॉर्मली पता होना चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम विद द पुलिस सिस्टम, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप पढ़ना चाहो तो, कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डायरेक्शन रहा है 2006 के अंदर में। प्यारे बच्चों सुप्रीम कोर्ट ने ना डायरेक्शन दी थी, कुछ नियम कानून बताए थे इन 2006 कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने कहा था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो वो एक बार हमें जरूर देखना चाहिए यहां से। अब आते हैं यूपीएससी क्वेश्चन पे। वैसे यार ये रिमोट में गड़बड़ हो रखी है यार, प्रीलिम स्पेसिफिक प्री के लिए क्या जरूरी है सर, प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो यार प्री में ना कुछ नहीं, आपसे पुलिस रिफॉर्म के बारे में, पुलिस सिस्टम के बारे में, ठीक है, यहां थोड़ा सा पूछा जा सकता है। जैसे एक सवाल हमने अच्छा बनाया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहले कुछ स्टेटमेंट पढ़नी है। पहला, पुलिस कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट ऑफ शेड्यूल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है कि भारत में जो पुलिस है ना, ठीक है, जो पुलिस है ये शेड्यूल 7 के ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के किस में आती है, स्टेट लिस्ट में आती है। सॉरी मैंने कंकरेंट बोल दिया था शायद आपको स्टार्टिंग में ना, आई एम सॉरी फॉर दैट यार, मेरे को ध्यान नहीं रहा। ऑल पुलिस फोर्स कम्स अंडर द स्टेट कंट्रोल, कह रही सारी पुलिस फोर्स स्टेट के अंदर आती है। लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था को मेंटेन करना, कह रही कि ये जो कानून व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं मेंटेन करने की, ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है, ये कैसा है आपका स्टेट सब्जेक्ट मतलब राज्य का विषय है, ठीक है, यहाँ पर ये बात ये कह रहा है। आप बताइए कौन सा सही है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ए बी सी और डी पता ही है आपको दोस्तों, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट है दोस्तों इसमें 1 और 3। दूसरा मैंने क्यों गलत किया, सभी पुलिस बल नहीं आते, जैसे मैंने बताया CRPF, ठीक है, CISF, ये किसके अंडर में आते हैं, इनको बोलते हैं हम सेंट्रल पुलिस फोर्स, सी
CPF, ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, CPF सेंटर पुलिस। तो सारी पुलिस जो है वो स्टेट के अंडर में नहीं आती, कुछ स्टेट के अंदर कुछ आपका सेंटर गवर्नमेंट के अंदर आती है। आसान सवाल पूछ रहा हूं अब ये जो सवाल है, ठीक है प्रिया जी आप जो पूछ रही थी मेरे से, ये जो सवाल है बहुत आसान है। अब देखो मैंने क्या पूछा, डिस्कस द नीड, जरूरत बताइए। अभी मैंने कमेटी की रिकमेंड वो बताई थी, कमेटी ने वो सारी बातें लिख देना, और आपको भी कुछ पता है तो लिख देना। पहली बात तो जरूरत क्या है, दूसरा है इसका सिग्निफिकेंस क्या है पुलिस रिफॉर्म का, जरूरत क्या है, जरूरत है भाई, कॉलोनियल माइंडसेट की चीजें बदलना जरूरी है, पुलिस की एफिशिएंसी से काम करे, तो वो सब भी मैंने सिफारिश भी बताई हुई है और महत्व भी बताया हुआ है दोस्तों। तो ये बहुत अच्छे से आप लिख सकते हो, बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो, इस पे मुझे पूरा पूरा कॉन्फिडेंस है, मुझे पूरा पूरा भरोसा है। तो गाइस जाइए फटाफट से और लिखिए इसके ऊपर में। सो दिस इज द मेन आंसर राइटिंग, तो आपको करनी है। मैंने आपको बताया जीएस पेपर 2 और 3 में हेल्प करेगा, एंड इट ऑल्सो हेल्प इन द पबैड, जो पबैड के हमारे छात्र हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये आपका क्या करेगा दोस्तों, ये हेल्प करेगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही बात, ठीक है, क्लियर है। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करें। पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, मैंने सारी पीडीएफ अभी तक की दे दी है, आज आज की बचती है, ये भी मैं अभी अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में, जैसे लेक्चर हमारा ओवर होता है तो वो हम कर देंगे। बाकी आप वीडियो लाइक और शेयर दोस्तों करते रहो, ठीक है, इसमें कोई कमी मत रखो यार, कंजूसी मत करो, बढ़िया से दिल खोल के वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्या है, बहुत बहुत ज़रूरी है, ओके। अच्छा कल अपने दो हम वो कर रहे हैं यूक्रेन रशिया टेंशन में ना, तो उसमें एक बार जुड़ जाना और कनेक्ट होके वो एक बार सीरीज अपनी देख लेना। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जीएस का प्लस कोर्स है, तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने 1 साल 2 साल 3 साल, ठीक है, ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो, कोड आपका क्या रहेगा, सुमित10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है, इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन, सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।